मेरा नाम अफशीन अंजुम है और मैं कराची में बेस्ड हूँ. ये आइडिया था, आप समझें कि इसके अंदर इमोशनल एफिलिएशन ज़्यादा है कि मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे. वहाँ पे लोग इस टेक्निक को अप कर रहे थे और ज़्यादा नहीं, वहाँ पे भी आप समझें कि 5 to 10 ऐसे क्राफ्टर्स हैं जो ये बना रहे हैं. तो वो अपनी सेलिब्रिटी से भी बना रहे थे और हर चीज़ के. तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कैसे कर रहे हैं. आई नो द टेक्निक कैसे करना है, लेकिन मेरे पास जो था इसका एक ग्राफ निकलता है, उसको पिक्सल आर्ट बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी फ़ोटो को आप पिक्सल्स में चेंज कर देते हैं. अच्छा, वो ग्राफ आप वैसे तो कंप्यूटर पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें मकराने के लिए बेसिकली चाहिए होता है जिसमें काउंट्स आए पूरे पूरे कि ये कलर इतना आपने इस्तेमाल करना है और इतनी देर के बाद ये कलर ऐड करना है. तो वो वाला मुझे ग्राफ मिल नहीं पा रहा था. तो देन अल्टीमेटली मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल मेकर से मदद मांगी. कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे कुछ हिंट्स दिए, कुछ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम नहीं बता सकते. दैन मैंने फाइनली बस हिट एंड ट्रायल दिया. क्रॉस स्टिच का एक वेबसाइट थी, उसके अंदर आप चार सूती, आप लोग समझते होंगे, चार सूती वाला पैटर्न उठाया और स्टार्ट कर दिया. तो ये एक समझे कि बन गया, ये हिट एंड ट्रायल मैथड था. तो अभी भी हमारे पास लाइक जिस तरह मकरामे का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होने चाहिए कन्वर्जन के, वो मेरे पास नहीं है. और ये मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर से स्टार्ट किया और मोटिवेशन बिहाइंड वाज कि मुझे अपने कायदे आज़म का पोर्ट्रेट बनाना है. और पाकिस्तान में क्योंकि कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया और मैं काफ़ी अर्से से कर रही थी, तो आई जस्ट फेल्ट कि दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अगर आता है मकरामा तो मुझे करना चाहिए. एटीन टू नाइनटीन आवर्स मैं काम करती थी, कोई और काम नहीं हो रहा था सिवाइस के. तो मुझे बाकायदा कायदे आज़म नज़र आते थे और मुझे लगता था वो मेरी जगह के कह रहे हैं कि बेटा काम कंप्लीट कर लो. तो ये मुझे लिटरली इस तरह से फील होने लग गया. और 31 अगस्त को ये कंप्लीट हुआ था टिल द नेम, जहाँ तक मैंने नाम लिखा है. उसके बाद इसकी फिनिशिंग जो है ये चलती रही है 5th-6 सितंबर तक ये इसकी फिनिशिंग चलती रही. इसके अंदर जो रोप इस्तेमाल हुई है वो 1,25,000 इंचेस मिनिमम लेवल पे मैं रख के बता रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सप्लायर हैं उनके हिसाब से जो एक रोल है दैट कंसिस्ट ऑफ 12,000 इंचेस ऑफ रोप. और मैंने इसको कैलकुलेट भी किया है, वो 12,000 प्लस है, लेकिन फिर भी क्योंकि अप्रॉक्स करके ताकि हम अपने उसमें रेंज में रहें. तो एट 1,25,000 इंचेस ऑफ रोप इज़ यूज. जूम के ऊपर भी प्राइवेट क्लासेस लेना शुरू कर दी हैं और कोविड से पहले मेरे पास लोग आ भी जाते थे सीखने के लिए. और मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया है. 70s के बाद मकरामे आपको नज़र नहीं आता था, फिर एकदम से ये वेस्ट से होकर जब वापस आया है तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि ये बहुत ही कोई बड़ी चीज़ आ गई, हालाँकि ये एशिया में मौजूद था. तो ये अब मेरी जिम्मेदारी, मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसे करती रहूँगी और लोगों को आगे से आगे इसको सिखाती रहूँगी और हेल्प आउट भी करती रहूँगी. कमर्शियली भी मैं ये काम कर रही हूँ ऑलरेडी सिंस 2018. और इस तरह के पोर्ट्रेट जो हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़े स्केल पे है, लेकिन हम इसको मीडियम स्केल या मिनिमम स्केल के ऊपर ले जाके इस तरह के पोर्ट्रेट्स जो है वो कमर्शियली भी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ. डिस्प्ले करने का मेरा इरादा इस तरह से है कि क्योंकि मेरे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत शामिल है. इसकी एक एक नॉट लगाते हुए आप यकीन जानिए मेरा यही एक ख्वाहिश थी कि ये किसी ऐसी जगह डिस्प्ले हो जहाँ पर जो आर्ट लवर्स हैं, लर्नर्स हैं, वो इसको देख सकें. और ये मतलब पब्लिकली किसी म्यूज़ियम या आर्ट गैलरी या आई विश के इस तरह कायदे आज़म के मज़ार के पास एक म्यूज़ियम है वहाँ पर अगर ये डिस्प्ले हो जाए तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और जो आने वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी, वो कुछ सीख सकेंगे इससे.